तीन दिन रहिबे मोदी। गुरुत्वपूर्ण डीजीपी सम्मेलनी रे जोगदेवे प्रधानमंत्री। सबु राज्यर डीजीपी सह जोगदेवे केन्द्र सुरक्षा एजेन्सी सदस्य। पूर्वरु दिल्ली रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसुथिला। मोदी सरकार समय रे राज्य मानंकरे बि बसुछि बहु गुरुत्वपूर्ण बैठक। ओडिशा रे प्रथम थर लागि हेबाकु जाउछि सर्वभारतीय डीजीपी सम्मेलनी। नवंबर 29 रु डिसेंबर 1 जाए तीन दिन धरी भुवनेश्वर हेब डीजीपी सम्मेलनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह समेत जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल भी सम्मेलनी रे जोगदेवे। समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल डीजीपी माने सम्मेलनी रे जोगदेवे। यहसह बीएसएफ डीजी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ डीजी, एनआईए मुख्य, र मुख्य, आईबी, एनएसजी, एसपीजी, बीपीआरडी, आईटीबीपी, एनसीबी, डीजी सह गृह मंत्रालय अधीन समस्त एजेन्सी मुख्य माने सम्मेलनी रे सामिल हेबे। लोकसेवा भवन रा सम्मेलनी कक्ष रे हेबो तीन दिनिया डीजीपी बैठक। एथिरु स्पष्ट प्रत्यमान होउछि केन्द्र सरकार विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृहमंत्री ओडिशा प्रदेश को केते गुरुत्व दौंती एथिरु स्पष्ट प्रत्यमान होउछि एबोली एक गुरुत्वपूर्ण मीटिंग ओडिशा रे करथिबा कारणरु ये निश्चित भाव आम समस्त एक अत्यंत गौरवर कथा एवं आम केन्द्र सरकार को कृतज्ञता जनाऊ ए कार्यक्रम को ओडिशा रे करथिबा। 2026 सुधा समग्र देशरु माओवादी को मूल पोछ करबा पई आह्वान देछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। तेणु डीजीपी सम्मेलनी रे माओ मुकाबिला एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हेब। यहसह आतंकवाद उपरे लगाम लगाइबा, अंतरराष्ट्रीय अनुप्रवेश रोकिबा, आभ्यंतरीण निरापत्ता, साइबर सिक्योरिटी, पुलिसिंग टेक्नोलॉजी, पुलिस भित्तिभूमि आधुनिकीकरण, बेआईन निशा कारबार बंद करिबा, जेल संस्कार, एआईओटी फेक भली नूतन ज्ञानकौशल द्वारा अपराधिक चैलेंजर केमिति मुकाबिला हेब एहि सब दिगकु नै आलोचना होइपारे। ब्लूबुक अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा बेले लोकसेवा भवन समेत आखपाख अंचल को सील कर दिया जाइछि। एटा गोटे एनुअल इवेंट जोटा सब पुलिस मुखिया माने अनाई करुछंती और एतरे विभिन्न जो हमर चैलेंजेस अछि पुलिस रा सिक्योरिटी रा ता उपरे आलोचना हुए और ता उपरे नुआ नुआ गाइडलाइन और निष्पत्ति निया जाए। जो जेमती मु कहली से सिक्योरिटी रिलेटेड पूरा 360 सबु विषय रे आलोचना करा जाए, बहुत गहन आलोचना ये सम्मेलन रे हुए। मोदी का फोकस रे ओडिशा। गतकाली ओडिशा पर्व रे भी ओडिशा विकास रो रोडमैप बाबत रे अवतारणा करथिले मोदी। 2036 सुधा ओडिशा को सशक्त और समृद्ध पाई प्रस्तुत हुई छि योजना। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो। भुवनेश्वर स्निग्ध चंदन दास का सह दिव्यज्योति महांती का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।